हेलो फ्रेंड्स, ममता किचन स्टार हिंदी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड और दूध की मलाई के सैंडविच। ये देखिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनने में भी बहुत ही आसान है। ये हमने एक टमाटर लिया है छोटा सा, एक प्याज लिया है जिसे चॉप कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से बारीक बारीक, और चार हमने ब्रेड लिए हैं। ये है हमारा चंकी चाट मसाला। पहले हम टमाटर ऐड करेंगे, इसमें चंकी चाट मसाला ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बहुत ही हल्का सा नमक ऐड करेंगे इसमें। इसमें कुछ भी नहीं डलता, सिर्फ दो ही मसाले डलते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए, थोड़ा सा नमक लिया है हमने, और ये है मलाई, दो तीन टेबल स्पून मलाई ऐड करेंगे इसमें। एकदम ताज़े दूध की मलाई है ये। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम इसको ब्रेड पर लगाएंगे। देखिए, ब्रेड हम देसी घी में सेकेंगे, आप चाहें तो मक्खन ऐड कर सकते हैं। गैस पे हमने फ्राई पैन रख दिया है, गैस ऑन करेंगे। इसे अच्छे से गर्म करके गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर लेंगे ताकि ये जले ना। ये देखिए दोस्तों, फ्राई पैन गर्म हो चुका है। अब हम इस पर ऐड करेंगे घी। इसे अच्छे से इस तरीके से घुमा देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दिया हमने, और अब हम ब्रेड पर लगाएंगे। ये देखिए, इसे अच्छे से फिल कर लेंगे। जितना आप रखना चाहें, इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे इस तरीके से ढक देंगे, और अब हम इसे गैस पर रख देंगे। अब इसे धीरे धीरे ऐसे प्रेस करके सेकेंगे अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसे पलट कर देखेंगे, ये सिका है कि नहीं दूसरी तरफ से, और इसे इस तरीके से पलट देंगे। ये देखिए, सिक चुका है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है घी की। ये देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से हम इसे पलट कर इस तरीके से देख लेंगे, सिका है कि नहीं। ये सिक चुका है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा सिकने में, और इसे बनने में भी टाइम नहीं लगता। आप चाहें तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स में रख सकते हैं, बच्चों बहुत पसंद करेंगे इसको। बनाने में बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। इसे बनाकर ज़रूर देखना और बताना मुझे कमेंट में कि आपके मलाई सैंडविच कैसे बने। ये देखिए, सिक चुका है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, अब हम इसे कट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं, आपकी इच्छा है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे कट कर दिया है, आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, और ये बनकर तैयार है। बहुत ही जल्दी बनता है ये, और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।